बहुत ज्यादा है ना, हर कोई अपने ढंग से बोलता है। तो देखिए, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए दो इम्पोर्टेंट दिन होते हैं। एक तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब आए होंगे, मतलब आपके सीनियर जब आपको वेलकम किए होंगे, उसका नाम क्या कहते हैं, वेलकम पार्टी। और दूसरा होता है फेयरवेल। वेलकम तो बड़ा अच्छा लगता है, स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स को, इधर 3 साल रहना है, यही मेरा घर है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये वाला दिन जिसको फेयरवेल कहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, विदाई हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बिड फेयरवेल। तो विदाई वाला दिन मैं अपना बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता। मैं भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत बढ़िया रिनाउंड इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैं वहाँ लेक्चरर था इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। मैं बड़ा ही स्टूडेंट से एसोसिएटेड से स्वभाव से भी सेंटिमेंटल थोड़ा सा हूँ, बहुत ही अटैच हो जाता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिफ्थ में एक पावर सिस्टम होता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सिग्नल सिस्टम, सुने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जानते होंगे, डीएसपी विषय। फाइनल ईयर में था पावर सिस्टम, अचानक सब आगे सर अब फेयरवेल है, फाइनल हमके फेयरवेल में विदाई है, जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में 94-95 की बात बता रहा हूँ, आई वॉज सो मच सेंटिमेंटली अटैच। तो बड़ा मैं दुखी हो जाता था, भले वो अमेरिका चले गए, बहुत देर से एक लोग मेरे पढ़ाए हुए उधर के सब अच्छे अच्छे वो में है, लेकिन जो विदाई समारोह है, चाहे स्टूडेंट्स की विदाई हो या बेटी या बहन के शादी की बात की विदाई है, दोनों में बड़ा रुलाई आता है। आता है कि नहीं आता? आप लोग कैसे होंगे, आपके घर में भी बहन की शादी हुआ? हम लोग इस लेवल पे है कि बहन के बाद क्या स्टेज, बेटी के शादी में लोग रोते हैं विदाई के समय। लेकिन क्या करोगे, परंपरा है। जिस तरह से पॉलिटेक्निक में परंपरा है कि 3 साल के कोर्स को आपको 3 ही साल में पास करके जाना है, नहीं तो लोग आपको अच्छे निगाह से नहीं देखेंगे। जैसे 2-3 दिन पहले की बात है, कोई आए थे टीएमसी उगर लेने, तो मैं पूछा राजा से कि कौन है, वो सब क्या है ना, एक सोर्स में पुराने स्टूडेंट है, अगर रेगुलर में आप पास नहीं करेंगे तो आपको अच्छे नजर से नहीं देखा जाता। मतलब विधान है कि 3 साल का कोर्स 3 ही साल में पास किया जाए। तो शुरुआती दर मुझे चाहिए में 4 साल का कोर्स 4 ही साल में पास किया जाए। अगर हम आपसे इतना अटैच हो जाए कहे कि नहीं नहीं आप यही रहिए, तो भाई आपके लिए तो टेंट लगवाना पड़ेगा, और जगह भी नहीं है, देख ही रहे हैं बड़ी मुश्किल से फूल लगाने के लिए जगह मिला, जो जगह था वो इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया। कहने का अर्थ है कि आप जो अपना कोर्स अपना भविष्य निर्माण के लिए यहाँ पर आए हैं, और जैसा आपके पहले मेरे वक्ता बताए कि प्रकृति का नियम है, उसी तरह पॉलिटेक्निक का विधान है कि 3 साल के बाद आप जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसको हमेशा याद रखिएगा। अब अभी तक जो आप यहाँ पर कोर्स किया है फाइनल ईयर वाले के लिए खास करके, या प्री फाइनल के लिए, अभी परीक्षा पास करने के लिए आप पढ़ाई किए हैं, एक्चुअल पढ़ाई आपका जो है आगे भविष्य निर्माण का मतलब क्या होता है, मतलब हम किस फील्ड में जाए, कहाँ जाए, समझ में नहीं आता है। जैसा अर्जुन बाबू ने बताया, ठीक ही बोले कि लंबी लंबी बात करना बड़ा आसान है। तो देखिए, जिंदगी में 3 चीज याद रखिए। पहला चीज होता है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को स्वीकार करना। हमने आपके सामने यही कमी है कि अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा है फॉरगिव योर सेल्फ, एंड थर्ड है लव योर सेल्फ। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ का मतलब ये हुआ कि अभी जो इस सभागार में बैठे हुए हैं, फाइनल परीक्षा हो जाएगी या हो गई, रिजल्ट आ जाएगा, अब हम क्या करें, तो देखा देखी नहीं करना है। जैसे मैंने देखा एक आपके जो सीनियर थे, बहुत अच्छा उसमें कवि टाइप का स्टाइल था। तो किसी में अपने आप को पहले अपने समझना बहुत जरूरी है, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट टास्क है माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए भी मेरे लिए भी, अंत अंत तक लोग अपने आप को नहीं समझते कि मैं क्या हूँ।
देखा देखी करते हैं, अरे फलाना बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, मैं भी करूं, कोई सीनियर बोला कि नहीं रेलवे का तैयारी करो, वो छोड़ के रेलवे का करने लगे। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो भाई, चलो नौकरी चाकरी करते हैं। तो पहले अपने को एक लक्ष्य डिसाइड करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कि भाई आपका गोल, फिर उसके तरफ आपको पढ़ने हैं। जैसा किसी ने बताया, वैसे मेरे मुंह से खुद कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं बीइंग प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज अपनी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, आपके जो सीनियर की बरौनी राजकीय पॉलिटेक्निक बरौनी बिहार का टॉप, उस अभी बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा सर, वो इसी पॉलिटेक्निक के प्रोडक्ट हैं। तो मुझे जब यहाँ बीच में बात होते रहती अपने संस्था के एक्स प्रचार दिवाकर बाबू, उन्होंने कहा कि जानते थे भाई जो विजय सिन्हा यही का प्रोडक्ट है, मैंने उसको पढ़ाया है, तो कितनी खुशी होती है कल्पना से बाहर। अरे कोई जो विधान पढ़ाए उसमें तो मंत्री था, आज बताइए विधानसभा के अध्यक्ष हो गए हो, इस कॉलेज के प्रोडक्ट है। कौन सा यहाँ के लोग टीचर को 10,000-5,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन हम टीचर प्राणी हैं, शिक्षक लोग हैं, बहुत इज्जत के भूखे हुए हैं। मैंने इतना कहना बड़ी सम्मान की बात है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी के प्रोडक्ट कोई विधानसभा का अध्यक्ष, बहुत बड़ी बात है। अध्यक्ष बनना मतलब बहुत बड़ी बात होता है, प्लस उसके पहले मंत्री थे ही बिलोंग टू लखीसराय जैसा मैं सुना। तो कहने का अर्थ है कि भाई किसी को हर कोई को पढ़ाई नहीं, अब जैसे हम पास करेंगे, कुछ लोग जो है हायर डिग्री लेना चाहते हैं, हायर डिग्री का मतलब इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट नौकरी करना चाहते हैं, कुछ लोग राइटर बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं, कुछ लोग कविता करना चाहते हैं। तो पहले ये अपना को डिसाइड करके उस डायरेक्शन में पढ़ना, ये नहीं कि कभी वो कर रहे क्या कर रहे हो, वो कर लो, एजुकेशन में चलो तो फलाना जगह चलो, साल दो साल इसी में खराब हो जाता है। तो ये जरूरी है, एक दिन बाद फॉरगेट योरसेल्फ का मतलब है कि भाई हम तो सोचे थे IAS बनने के लिए या बहुत बढ़िया IIT में जाने के लिए, कहाँ भाई फंस गया यार। तो ये सब नहीं, भूल जाना है, अपने आप को माफ कर देना है कि जो है अब यही है, नहीं तो क्या है अननेसेसरी लाइफ में डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, एंड लव योरसेल्फ का मतलब है कि जो अपने आप को नहीं प्यार करता उसको दूसरा कौन करे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी तो बहुत तो घड़ी देख रहे हैं कि पता नहीं परमिशन 2 घंटे के लिए दिए थे, ऐसे ही कुछ समय बीत गया, अब इनका कब तक भाषण रहेगा जारी, और भी कार्यक्रम होना है आपका। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और रियली जो लक्ष्य के तरह, जैसे मान लीजिए आपको जाना है हायर एजुकेशन में, तो बढ़िया से आगे इंजीनियरिंग की तैयारी कीजिए। इंजीनियरिंग के बाद हम ऐसे सेशन देखे हैं जहाँ मैं था, पॉलिटेक्निक का लड़का टॉपर हुआ है, यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हुआ है, बाद में MTech PhD करके USA में गया है। तो ये सब अचानक नहीं होता, अचानक कोई विधानसभा का अध्यक्ष बन जाएगा, कितना वो आपने संघर्ष किया होगा, वो पार्ट तो आप नहीं देख रहे हैं। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, MLA हो गए, मंत्री हो गए, अरे कितना फाइट है। तो हर फील्ड में फाइट है, चाहे आप ओरेटर बनना चाहते हैं, आप गायक बनना चाहते हैं, चाहे किसी भी फील्ड को ले लीजिए, तो हर फील्ड में संघर्ष है। उस संघर्ष को मैंने, संघर्ष जो है आगे का भी आपके जीवन में बाकी है, अभी शुरुआत होना है उसको। तो मैं इन्हीं भावनाओं और कामनाओं के साथ आगे का आपका कार्यवाही हो, ऑल दी बेस्ट, मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ, अपने जीवन में सफल हो इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। और एक इम्पोर्टेंट चीज, मैंने अभिजीत को बोला है, अभिजीत कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं है क्या? आप सीनियर लोग जाते जाते उनको कम से कम नाम और अपना ईमेल एड्रेस जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का समय अलग था, न मोबाइल था न ये था, एक कोई चिट्ठी किसी को लिखता था, 10 दिन में पहुंचता था, 10 दिन में जवाब, कौन कहाँ है। अब इधर जो है व्हाट्सएप होने से पता चला, हम कल ही हमारे कोई मित्र ONGC में डायरेक्टर है तो फलाना है, आजकल के दौर में तो सब जुड़े हुए हैं। तो एक ईमेल दे देने से संस्था से भी आप जुड़े रहेंगे। ठीक है, इसका ख्याल रखें। Again, all the way. Thank you.